किसी ने प्रश्न किया है कि आज किस वातावरण में कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें अपनाने से हमारा जीवन महत्वपूर्ण हो जाया करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं इतना ही जान पाया हूं जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा ज्ञान है कि आदमी के जीवन में दो चीजें जरूर होना चाहिए, तभी व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ करता है। अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी, ये दो चीजें जिस दिन आपके जीवन में आ गई उस दिन आपका जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा। सोचना है, विचार करना है आपको कि ये दो वो चीजें हैं, ईमानदारी और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। ये वो दो कार्य हैं जिनसे आप लोगों के दिलों में अपना स्थान बना सकते हैं। ये बात उतनी ही सच है कि कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता के भाव लाना और अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी रखना, अपने जीवन मूल्य इन्हें बनाना शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जब विदेश यात्रा पर गए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए, तो वह कहीं सफर कर रहे थे। किसी अंग्रेज व्यक्ति ने उनसे कहा कि शराब पियो, अंडे खाओ, मांस खाओ, ये हमारा कल्चर है। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं मांसाहार नहीं करता हूं, मैं अंडे नहीं खाता हूं। उस समय उन्हें बैकवर्ड का आदमी माना गया, उन्हें कालाकुली कहकर के पुकारा जाता था, उनका बहुत अपमान किया गया। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मैं अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। मैं किसी भी कीमत पर शराब का सेवन नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना भी अपमान हो जाए। मान्यवर, महात्मा गांधी की वह दृढ़ता, वह ईमानदारी, वह प्रतिबद्धता आज पूरे देश के लिए एक आदर्श है, उदाहरण के रूप में है। यदि महात्मा गांधी उस समय शराब ले लेते, महात्मा गांधी उस समय यदि विदेशों में रहकर मांस कर लेते, तो मैं पुलक सागर तुम्हें उनका उदाहरण नहीं दे रहा होता। महात्मा गांधी का जीवन महत्वपूर्ण हुआ, आप भी अपना जीवन महत्वपूर्ण बना सकते हैं। अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम बनाओ जो तुम्हें महत्वपूर्ण बना दे, और उनसे फिर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समस्याएं कितनी भी आए, जीवन हमारा महान होगा।